नमस्कार फ्रेंड्स मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल कौन में आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है एमसीक्यू सीरीज के ऊपर इससे पहले भी मैंने जो प्रैक्टिस सेट वन और टू एन के लिए खास जो है एम की सीरीज मैं यहाँ पर चला रही हूँ क्योंकि अब एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय बचा है इससे एक तरह का आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्वेश्चन तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे और हाँ आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन डिवे डिसिमल सिस्टम तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी मेलविल डिवे नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स यूजेस ओनली करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए टू डिजिट्स नेक्स्ट मूव करते हैं अगला जो हमारा यहाँ सवाल है कैटेगरीज आर रिटेन एज तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मिथोलॉजी इज द आउटकम ऑफ द अमोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट नोन एज तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी डिस्टिलेशन नेक्स्ट आस्क यानी कि अप्रोच स्किल नॉलेज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन The standard size of catalog card is the so correct answer option A 12.5 centimeter into 7.5 centimeter. Next question The subject of research methodology is the outcome of the mode of formation of subject known as correct answer option C distillation. Next question. आई आई ए फाउंडेड इन यू एस ए इन नाइनटीन सिक्सटी एट स्टैंड फोर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएशन नेक्स्ट क्वेश्चन बी एस ओ इन क्लासिफिकेशन स्टैंड फोर तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रॉड सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिव डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एस डी आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई तो जो यहाँ आपका सही आंसर होगा लुहान ऑफ आई बी एम नेक्स्ट क्वेश्चन विच बुक्स फिट अंडर द सिक्स हंड्रेड कैटेगरीज तो इसका आंसर है ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ब्रॉट आउट बाई रंगनाथन इन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नाइनटीन थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एमंग द फॉलोइंग विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ लाइब्रेरी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस तो जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी द रामपुर राजा लाइब्रेरियन लाइब्रेरी करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट इज एन करेक्ट आंसर डी है बोथ ए एंड बी यानी कि आर्टिकल टू बी प्रेजेंटेड इन अ कॉन्फ्रेंस एंड बी कॉन्फ्रेंस पेपर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसीडिंग्स दोनों आंसर यानी कि डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट कैन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर पार्ट ऑफ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आइडिया प्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन जीरोग्राफिक प्रोसेस इज अ कैटेगराइज अंडर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिफ्लेक्स मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी एब्रॉड इज एन तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन डी हैंडबुक नेक्स्ट क्वेश्चन द यूजर प्रोफाइल इज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्टेटमेंट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी ए रिलेटेड टू तो सही आंसर ऑप्शन बी कैटलॉग इन नेक्स्ट क्वेश्चन स्केड्यूल्स आर पार्ट ऑफ करेक्ट आंसर ये डीडीसी का पार्ट है फिनिक स्केड्यूल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ इफला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नरल फिनेंशियल रूल टू थाउजेंड फाइव लॉस ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम्स पर थाउजेंड वॉल्यूम इज शूड कंसल्टेड इन इज टू बी टेकन एज रिजनेबल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फाइव उसके बाद यहाँ पर द स्टैंड साइज ऑफ कैटाल्ड इज फाइव इंच इंटू थ्री इंच नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो डी आपका इसका सही आंसर है ऑफ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया विच हैव इनेक्टेड पब्लिक लाइब्रेरी लेजिसलेशन टिल डेट इज टू नाइनटीन ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूं वो मैंने क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए तैयार किया है बहुत साल के क्वेश्चन से सिलेक्ट किया हुआ ये सब क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड एमलिप और एम फिल तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ऑप्शन ए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज डेटा ऑप्शन डी सही आंसर है इसका नेक्स्ट वट डू यू सर्च फॉर वाइल्ड लुकिंग फॉर द कॉल नंबर ऑफ अ बुक इन द लाइब्रेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ओपेक अगला क्वेश्चन द इन विजिबल वेब रेफर्स टू तो सही आंसर है इसका बी द इंटरनेट विच इज हिडन फ्रॉम द सर्च ऑफ इंजिन ठीक है अगला सवाल विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल तो ये आपका जो सही आंसर है है डी ट्रिपल आर एल एफ ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्ट इन इंडिया इन 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज बेस्ड ऑन करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज तो ये आपका बी लैटिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टू विच कंट्री द क्रेडिट इज गिवेन टू कॉइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी सी आंसर जापान अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर टूडे इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग तो ये वेल्थ भी होगा कॉमोडिटी भी होगा प्रोडक्ट्स भी होगा ऑल ऑफ द एब तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ना वीज वट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इन फॉर सन नेक्स्ट विच कमीशन रिकमेंडेड टेन परसेंट ऑफ द टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज तो ये आपका कोठारी कमेटी का है ठीक है नेक्स्ट विच बुक विल यू फाइंड अंडर द नाइन हंड्रेड हंड्रेड कैटेगरी तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हिस्ट्री एंड जियोग्राफी नेक्स्ट विच एसोसिएशन टैगलाइन इज मैनेजिंग इंफॉर्मेशन एसली ऑप्शन बी आपका सही आंसर है नेक्स्ट विच एसोसिएशन टैगलाइन इज कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन तो एस एल एप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन Which two organizations jointly published survey on digitization and preservation? So correct answer option A. IFLA and UNESCO. Next, which organization was joined with Library Association to form CILIP in 2002? So correct answer option B. Institute of Information Scientist. Next question. पब्लिश द जर्नल इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन करेक्ट आंसर इसको है आपका इसका ऑप्शन सी विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ लाइब्रेरी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फिफ्थ लॉ नेक्स्ट क्वेश्चन रिसोर्स शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कॉपोरेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर Next question. Library Technology Report is a publication of option A, correct answer ALA. Next question. The Librarian Day celebrated on option D is correct answer 12th August. Next question. फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन सर्विस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बी सी यानी कि लाइब्रेरी वेबसाइट लाइब्रेरी ओरिएंटेशन बुक फेयर एंड एक्सिबिशन तो फॉर्म्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज आपका ऑल होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक ऑन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन विच सेक्शन डू यू नीड टू सर्च तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बायोग्राफी next what do the letters under the number refers to correct answer option c author's last name next question the number section of the d-v decimal system arranges book according to correct answer option c subject next question classification puts thing together करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिमिलर क्लासिफिकेशन का मतलब एक चीज को एक साथ रखना तो सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोग्राम यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त होती है और अगर अभी तक आपने मेरे दो और प्रैक्टिस सेट जो है एमसीक्यूज के वो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बाय बाय